मुरादाबाद के पंचायत भवन में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन कराया गया। इस कार्यशाला में जिलाधिकारी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं कई विभागों के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए। देखा गया है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार न होने की वजह से और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को योजना के बारे में जानकारी न होने की वजह से उनको लाभ नहीं पहुँच पाता था। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का यह कहना है कि उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। पंचायत भवन सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं महिला पुलिसकर्मियों के साथ विभागीय योजनाओं के संबंध में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि आमजन द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा की। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में चर्चा की। परियोजना निदेशक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के बारे में समस्त उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे कार्यों में निर्माण संबंधी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ अभिलेखीकरण पर भी बल दिया जाए। मैं आपको जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं उसके संबंध में यहां पर जानकारी देने का प्रयास किया है। निश्चित ही जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। जो मुख्य रूप से जहाँ से हम लोगों ने बात शुरू की थी, जो DPRO साहब ने भी अपने वक्तव्य में आप लोगों से कहा, वो है कि जो मिशन शक्ति कक्ष की स्थापना होनी है प्रत्येक हमारे ग्राम पंचायत सचिवालय में, वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी कार्यक्रम की कि उसकी स्थापना हो जाए। जहाँ जहाँ पर अभी भी चिन्हित नहीं हुए हैं वो कमरे, उनको हम लोग मिशन शक्ति कक्ष के रूप में चिन्हित कर लें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि पुलिस कर्मियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। योजनाओं के बारे में जानकारी होने पर ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की ठीक ढंग से मदद की जा सकती है। आज बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा आयोजित कराई गई है। इसमें पंचायत भवनों में जो शक्ति कक्ष बने हैं उसमें महिला भी जो सिपाही हैं उनके उनको जानकारी दी गई है विभिन्न विकास के कार्यक्रमों को, जिससे जन लाभ हो सकता है और कैसे महिलाओं से संबंधित जो जितने भी सुविधाएँ हैं, योजनाएँ हैं सरकार की, उनको ब्रीफ किया गया है। मुख्यतः यही कार्य था। सर, पहली बार ऐसा होगा कि पुलिस प्रशासन के साथ ऐसी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगी? लगातार प्रदेश सरकार ये करती आ रही है। कार्यशाला ये पहला एक स्टेप है, एक दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का। ऐसी कार्यशालाएं लगातार चलती रहेंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि समस्त पुलिसकर्मी मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें तथा महिलाओं की सुरक्षा तथा सम्मान से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से विचार करें। इसी प्रकार सचिव ग्राम पंचायतों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य के दौरान वित्तीय नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा नियमानुसार एस्टिमेट MB तैयार की जाए तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि अवश्य प्राप्त कर ली जाए। समस्त ग्राम पंचायत सचिव आवश्यकता अनुसार अभिलेख तैयार करते रहें ताकि जांच के समय अभिलेख प्रस्तुत किया जा सके। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सरकार ने आम जनमानस के लाभ के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं, उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राम स्तर पर देखें तो हमारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और जो महिला बीट पुलिस अधिकारी का नया कॉन्सेप्ट आया है, ये दोनों आज की डेट में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं जो आम जनमानस से सीधे जुड़े होते हैं। कई बार इन योजनाओं की जानकारी हमारे इन अधिकारियों को न होने से आम जनमानस को समय से इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इन योजनाओं का उन्हें लाभ मिले इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे इन अधिकारियों को इसकी योजनाओं की जानकारी होना चाहिए। उसी के लिए आज हम लोगों ने एक वर्कशॉप आयोजित किया जिसमें हमारे महिला बीट पुलिस अधिकारी और सभी हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ADO पंचायत, सभी हमारे BDO साहबान और जिला स्तरीय अधिकारियों ने इसमें प्रतिभाग किया और सभी जिला अधिकारी स्तरीय अधिकारियों ने इसमें अपने विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दिया
मसलन जैसे हम बात करें कि गांव में कम्युनिटी टॉयलेट बना हुआ है, उसके पीछे मंशा है कि जिसके घर में अगर किसी कारण शौचालय नहीं बन पाया है तो उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम देखें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है तो हर जो पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ मिले। जो हमारी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, उनको प्रॉपर पोषण मिले, उनको प्रॉपर इसके बारे में जानकारी दी जाए। तमाम तरह की योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सारी योजनाओं का लोगों को समय से और पात्रता के आधार पर लाभ मिल सके, इसके लिए योजनाओं की सही जानकारी जरूरी थी, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने इस वर्कशॉप को रखा था और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सफल वर्कशॉप रही और जो हमारे जिस भावना से हम लोगों ने इस वर्कशॉप को आयोजित की थी वो हमारी भावना फलीभूत होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। माना जाए कि एक ही छत्तीस की सारी योजनाओं का लाभ जनता को बचाने का प्रयास है। निश्चित रूप से देखिए गाँव में जो पंचायत भवन सरकार ने पंचायत भवन का कॉन्सेप्ट दिया है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बल भी है, उसके पीछे मंशा यही है कि गांव के आदमी को अनावश्यक रूप से भाग दौड़ करके शहर या अन्य स्थानों पर न जाना पड़े, उसकी समस्याओं का निदान वही गांव स्तर पर ही हो जाए, इसके लिए किया गया है। देखिए मेरी अपील यही है कि जो छोटे मोटे विवाद होते हैं उसको इधर उधर न भाग करके स्थानीय स्तर पर ही बैठ के अगर हम लोग तय कर लें और एक दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका निदान नहीं है, और उन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निदान हो जाएगा, जिससे लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन के भाव भी होंगे और अनावश्यक जो सरकारी तंत्र पर बोझ पड़ता है वो भी कम होगा। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।